दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर इतनी विविधतापूर्ण जीवन क्यों पनपता है? समुद्र की गहराइयों से लेकर रेगिस्तानों की ऊंचाइयों तक हर जगह जीव अपने अपने अनोखे तरीके से जीवित रहते हैं। लेकिन इस विविधता के पीछे एक अहम भूमिका निभाता है, वो है तापमान। आज हम बात करेंगे उस उपयुक्त तापमान के बारे में जिसने पृथ्वी को जीवन का गहना बना दिया। हर जीवित प्राणी, चाहे वो छोटा पौधा हो या विशाल भेल, अपनी क्रियाकलापों के लिए एक निश्चित तापमान सीमा में ही बेहतर तरीके से जीवित रह सकता है। इस सीमा से बाहर जाने पर उनके शरीर की रासायनिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिससे बीमारी या मौत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, एंजाइम, जो शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठंड में धीमी गति से काम करते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी में निष्क्रिय हो जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए एक उपयुक्त तापमान मौजूद है जो लगभग 15 ज़ेडीसी से 30 डीसी के बीच है, लेकिन ये सिर्फ एक औसत है। वास्तव में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में तापमान काफी भिन्न होता है। ध्रुवों पर ठंड का साम्राज्य है तो रेगिस्तानों में लू चलती है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में भी अपना अनुकूलन करके विभिन्न जीव वहां रहते हैं। उदाहरण के लिए, पेंगुइन ठंड के प्रतिरोधक पंखों और चर्बी की मोटी परत से लैस हैं, जबकि ऊंट अपने शरीर में पानी जमा करके गर्म वातावरण से लड़ते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी का तापमान काफी अलग था। धरती बहुत गर्म या बहुत ठंडी रही है। इन बदलते तापमानों के बीच ही जीवन ने धीरे धीरे अपना रास्ता बनाया। जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि कैसे विभिन्न प्रजातियां तापमान परिवर्तन के अनुकूल ढलकर विकसित हुईं। उदाहरण के लिए, डायनासोरों का गर्म खून उन्हें ठंडे वातावरण में रहने में मदद करता था, जबकि स्तनधारी अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करके गर्म और ठंड दोनों से सामना करने में सफल रहे। दुर्भाग्य से मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे हम जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ये वृद्धि भले ही थोड़ी सी लगे, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम गंभीर हैं। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं और कई प्रजातियां अपने अनुकूल वातावरण खो रही हैं। अगर हम इस तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं करते हैं तो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा पैदा हो